हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और मेरा ये चैनल है अभी गिक का। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने डेली बेसिस पे अपने फ़ोन को फास्ट रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप डेली बेसिस पे अपडेट रह सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। आपको मैं चार चीज़ बताऊँगा जिससे कि आपका फ़ोन जो है वो डेली बेसिस पे फास्ट हो जाएगा और इसमें आप अच्छे तरह के गेम्स चला सकते हैं और अच्छी तरह की बैटरी कंजम्पशन कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला चीज़ जो है मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं बताने वाला हूँ कि जो ये सेट मैं जिसमें ये चला रहा हूँ, ये है S3 Neo। ये मेरा पर्सनल सेट है जिसमें कि 1 GB रैम है, 1.5 GB रैम है, 16 GB का इनबिल्ट स्टोरेज है और 8 MP बैक है और फ्रंट है 2 MP। चलिए शुरू करते हैं अपना एक नॉर्मल वीडियो जिसमें कि मैं बताऊँगा आप अपने फ़ोन स्मार्टफोन को कैसे फास्ट रख सकते हैं, एंड्रॉयड खासकर। पहला चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड मार लीजिए जिससे कि आपका डेली बेसिस पे वो आप क्लीन कर सकते हैं उसमें वायरसेस और जर्क फाइल्स, जिसका नाम है क्लीन मास्टर। इस क्लीन मास्टर ऐप से क्या होगा कि आपका डेली बेसिस पे जितने भी जर्क फाइल हैं आप उसको क्लीन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें आपको अपना स्टोरेज बताता है, रैम बताता है। मेरा जो स्टोरेज है वो करीबन मिला के 20 GB, कुछ 26 GB या 30 GB बता रहा है। और अभी मैं इसमें दूसरे सेक्शन में जाऊँगे तो आप इसमें वायरस भी स्कैन कर सकते हैं। तो आप पहले आप इसको जर्क फाइल्स और फ़ोन बूस्ट भी कर सकते हैं, बैटरी सेवर मोड भी है इसमें और इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जो कि जैसे प्राइवेट ब्राउजिंग है, नोटिफिकेशन क्लीनर है, CPU को क्लीन कूल कर सकते हैं। तो ये सब ज़्यादातर फीचर्स काम सबसे ज़्यादा आते हैं आपको जर्क फाइल्स क्लीन करने में। तो आप इसको अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड जर्क फाइल्स आप मेरे पहले से क्लीन हो चुके हैं इसलिए दिखा नहीं रहे हैं। तो आपके जो नॉर्मल जर्क फाइल्स हैं वो एक दिन में जो होते हैं नॉर्मली, वो जर्क फाइल्स जो हैं वो आपको इसमें क्लीन हो जाएंगे। जो दूसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसमें आप फ़ोन बूस्ट को देखिएगा ऑप्शन, जिसमें कि आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें आपका CPU यूसेज है 74%, जिसमें कि मेरा 1.5 GB रैम में करीबन 1 GB जो है ये सब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको बूस्ट कर सकते हैं, अगर बूस्ट करेंगे तो इसमें जो बेकार के एप्लीकेशंस हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे और जिससे कि आपका ये जो फ़ोन है वो फास्ट हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे ये ऐप में है कि बैटरी सेवर मोड, जिसमें कि ये बैटरी सेवर मोड जो है वो पावर को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि आपका जो बैटरी है वो किस स्टेटस पे है, अभी वो कितना देरी अभी चार्ज होगा ड्यूरिंग ड्रेनिंग फास्ट ऑप्टिमाइज टू सेविंग 44 मिनट्स। तो आप अगर इसको ऑप्टिमाइज रखेंगे तो आप देखोगे कि ये क्लीन कर देगा आपको और ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो ये पहला ऐप है जो कि मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा ऐप है। जो दूसरा चीज़ जो है तरीका है जिससे कि आप अपने मोबाइल को फास्ट रख सकते हैं वो है कि आप अपना जो मैसेजेस है, जो पर्सनल मैसेजेस है और जो मैसेजेस कंपनीज से आते हैं उनको हमेशा डिलीट करते रहिएगा, क्योंकि आप जो इनबॉक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आपके मैसेजेस पर्सनली डले हुए हैं बहुत सारे डेली बेसिस पे जो डलते रहते हैं, वो जर्क फाइल्स हैं खासकर, जो कि जिसमें देख सकते हैं आप मेरा 196 मैसेजेस है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये सब डिलीट करने से क्या होता है, आपका स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगा। जो तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं उसमें, आप अगर अपने होम बटन को थोड़ी देरी दबा के रखें तो आप देखेंगे बहुत सारे टास्क जो हैं वो रन कर रहे हैं। तो आप ये सबको आप स्वाइप लेफ़्ट एंड राइट स्वाइप करके आप हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जो चौथा तरीका मैं बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना फ़ोन जो है और फास्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को, चाहे वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का, वो है आप होम बटन थोड़ी देरी दबा के रखिएगा तो एक ऑप्शन आएगा टास्क मैनेजर का, जिसमें कि आपका एक्टिव एप्लीकेशंस, डाउनलोड्स, रैम और क्लियर डिफ़ॉल्ट्स आया हुआ है। तो आप रैम में देखोगे मेरा 1.5 GB रैम है और इसमें करीबन 1 GB के लगभग रैम जो है ये यूसेज हो रहा है। अगर मैं ये क्लियर मेमोरी में क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड में 23 एप्लीकेशंस जो क्लोज हो रहे हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, जिससे कि मेरा फ़ोन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि आप अपने मोबाइल को फास्ट रख सकते हैं। और इसके साथ मैं दो और टिप बताना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने बैटरी को भी ज़्यादा दिन तक देरी तक चला सकते हैं। जो पहला चीज़ है कि आप अपने फ़ोन में अपने कैमरा को ऑन करके आप एक
ब्लैक इमेज को क्लिक कर लीजिए स्क्रीन में। उसके बाद आप बैक जाके इस वॉलपेपर जो है, ये ब्लैक वाला वॉलपेपर जो है, आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको अपना वॉलपेपर सेट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि ये नॉर्मल ब्राइटनेस पे चलता है, और इसको आप होम स्क्रीन में सेट कर लीजिए, क्रॉप पिक्चर कर लीजिए, इसको डन करिए। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका बैटरी सेव होगा, दूसरा क्या है कि आप का डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं कितना क्लियर आता है, और इसमें आपका बैटरी भी ज़्यादा खाएगा नहीं। जो दूसरा तरीका है जिसमें आप बैटरी सेव कर सकते हैं, ये जो है ये ब्राइटनेस कम करके, ब्राइटनेस जो कम करना है आपको, ये फुल रखोगे तो बहुत ज़्यादा बैटरी खाएगा, अगर आप इसको पूरा कम कर दोगे और ऑटो मोड पे रखोगे इसमें भी बैटरी खाता है। तो आप इसको काम करिए, आप इसको पूरा कम कर रखिए, ऑटोमेटिक में रखोगे तो कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो आप इसको रख सकते हैं। और चौथा तरीका है, जो तीसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ है, वो है आप ये जो नोटिफिकेशन टॉगल्स ऊपर में है इसमें ज़्यादातर आप ऑफ करके रखिएगा, जैसे कि स्मार्ट स्टे हुआ, उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट हुआ, मल्टी विंडोज़ हुआ, फिर आपका स्क्रीन रोटेटर हुआ, या फिर लोकेशन सर्विसेज हुआ, ये सब लोकेशन सर्विसेज ज़्यादा बैटरी खाते हैं, सबसे ज़्यादा लोकेशन सर्विसेज बैटरी खाते हैं। तो इस तरह के हमारे कुछ टिप्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे देता रहूँगा, और ये सब कुछ टिप्स थे जिसमें कि आप अपना फ़ोन जो है वो क्लीन रख सकते हैं, और दो तीन टिप्स थे जिसमें बैटरी आप अपना अच्छा खासा रख सकते हैं। और भी मैं टिप्स अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम अभी गीक है और मेरा नाम अभिजीत है। मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।